सरकार ने बच्चों पर कोवैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी दे दी है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर से व्याप्त खतरों की आशंका के बीच भारत बायोटेक और ICMR की बनाई कोविड वैक्सीन कोवैक्सीन का ट्रायल 10 से 12 दिनों के भीतर 2 से 18 वर्ष वाले आयु वर्ग के बच्चों पर शुरू किया जाएगा। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने मंगलवार को बताया कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने 2 से 18 साल के बच्चों पर कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे फेज के क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी दी है। डॉक्टर पॉल ने कहा, मुझे बताया गया है कि अगले 10 से 12 दिन में ये ट्रायल शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा DRDO की डेवलप की एंट्री कोविड ड्रग 2DG को इमरजेंसी यूज का अप्रूवल मिला है। हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में इसे जोड़ने के लिए दवा की जाँच करेंगे। अभी कोवैक्सीन का इस्तेमाल देश में 18+ के वैक्सीनेशन के लिए किया जा रहा है। DGCI ने सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स कमेटी की सिफारिशों के बाद यह निर्णय लिया।